मध्य प्रदेश के एक कलेक्टर आजकल चर्चा में है। कलेक्टर का आदेश है कि उनका स्वागत गुलदस्तों की बजाय बिस्किट से किया जाए। कलेक्टर ने ये आदेश क्यों दिया, जब आप ये जानेंगे तो कहेंगे वाह क्या बात है। फूलों से नहीं, गुलदस्ते से नहीं, बिस्किट से करिए कलेक्टर साहब का अभिनंदन। ये मध्य प्रदेश के खंडवा में कलेक्टर विशेष गढ़पाले की विशेष पहल है, जिसके तहत उनसे मिलने आने वाले लोगों को फूलों के गुलदस्ते की बजाय बिस्किट का पैकेट लाने को कहा गया है। इसका मकसद बड़ा ही नेक है। ये खबर उन अधिकारियों के लिए बेहद जरूरी है जो गरीबों की मदद में भी घोटाले की जगह ढूंढते हैं। दरअसल जब भी अधिकारियों से मिलने कोई आता है या उनका अभिनंदन करता है तो भेंट के रूप में लोग अक्सर फूल लाते हैं, लेकिन वो फूल कुछ समय बाद मुरझा जाते हैं। ना तो वो खुशबू देते हैं और ना ही किसी के काम आ सकते हैं। ऐसे में खंडवा के कलेक्टर विशेष गढ़पाले ने कुछ ऐसा करने की सोची जिससे गरीब बच्चों की मदद हो। बस फिर क्या, उन्होंने कलेक्टर कार्यालय के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को हिदायत दी कि वो उनके या किसी भी अधिकारी के स्वागत में फूलों के गुलदस्ते की बजाय बिस्किट का पैकेट दें, ताकि वो बिस्किट का पैकेट कुपोषित बच्चों के लिए इस्तेमाल हो सके। मैंने टीएल में आज अपने सभी अधिकारियों को बोला कि भविष्य में किसी भी अधिकारी का स्वागत हमारे जिले के अंदर फूलों से या बुके से न किया जाए, और उसके एवज में पार्ले जी या ऐसी ही कोई ऐसी बिस्किट के पैकेट दे दिए जाएं जो कि संबंधित निकटतम जो भी आंगनवाड़ी है उस पर उनको बच्चों को दिए जा सकें, जो बच्चे हैं हमारे उनको पोषण आहार भी मिल जाएगा। एमपी में हर रोज 92 बच्चों की मौत की वजह कुपोषण होता है। ये आंकड़े महिला एवं बाल विकास विभाग के आधार पर है। कुपोषण से 2016 से 2018 जनवरी तक करीब 57,000 बच्चों की मौत हुई। टीएल बैठक में कलेक्टर साहब ने अधिकारियों और कर्मचारियों को ये खास निर्देश दिया। अब जो भी बिस्किट के पैकेट आते हैं उन्हें आंगनवाड़ी केंद्र भेजा जाता है, जिससे कुपोषित बच्चों को बिस्किट उपलब्ध कराए जा सके। कलेक्टर विशेष गढ़पाले की इस पहल का असर भी अब दिखने लगा है। कुछ समाज सेवी जब उनसे मिलने आए तो वो बिस्किट का पैकेट ही लेकर आए। बहुत अच्छी पहल है, और इसके माध्यम से जो हमारे आंगनवाड़ी केंद्रों के जो बच्चे हैं उनको पूरक पोषण आहार के रूप में एक अतिरिक्त माध्यम और हमको जन सहयोग से मिलेगा, और उसके साथ ही बच्चों का जो कुपोषण का स्तर है उसमें सुधार होगा। भारत में कुपोषण एक बड़ी समस्या है। ऐसे में खंडवा के कलेक्टर की ये पहल बड़ा बदलाव लाने में मददगार साबित हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।